हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विनय, कुकिंग फार्मूला क्रिएटर। वॉच एंड कुक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप अंडा करी खा के बोर हो चुके हैं? तो ये रेसिपी आपके लिए है। जी हाँ, मैं शेयर करने जा रहा हूँ ऑमलेट करी का रेसिपी। दोनों में अंतर यही है कि अंडा करी और ऑमलेट करी में टेस्ट अलग है। एक और एक बात है कि अंडा करी से क्या होता है, गैस फॉर्म ज़्यादा होता है अंडा करी से, लेकिन ऑमलेट करी से गैस फॉर्म कम होता है। तो आइए दिखाता हूँ कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने दो अंडा लिया है और कढ़ाई में तेल गरम होने के बाद मैं बना रहा हूँ ऑमलेट। ये देखिए ऑमलेट बनके तैयार। अब मैं काट रहा हूँ, बनाने के बाद ऐसे काटना है, 20 में से ऐसे काटना है, दो पीस छोटा ऐसे कि इसलिए किया, मतलब अंदर तक, मतलब जो इसका जो नमक ऐसे डालेंगे ना, उसका कड़ी बनाएंगे अंदर तक जाए, इसलिए मैंने 20 में से काट दिया। फिर और थोड़ा तेल लिया, सरसों का तेल। अब इसमें डाल रहा हूँ मैं प्याज, काटा हुआ प्याज मैंने डाला। क्या क्या कितना क्वांटिटी लेना है वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, वहां से देख सकते हो। प्याज अलग अलग कर देना है इसे थोड़ा, और लाइट ब्राउन होने देंगे। लाइट ब्राउन हो ही गया है। अब मैं डाल रहा हूँ लहसुन, प्रेस करके डाला मैंने। मतलब लहसुन और प्याज का थोड़ा सा पेस्ट भी डाल सकते हैं इसमें, ये तो रहेगा ही, कटा हुआ प्याज और लहसुन ये तो रहेगा, तो एक्स्ट्रा आप डाल सकते। अब मैं डालता हूँ अदरक, अदरक डाला मैंने ऐसे तो, और अभी डाल रहा हूँ मैं हरा मिर्च डाला मैंने, ग्रीन चिली। थोड़ा सा गरा बनाना है करी, तो आप कीजिए एक प्याज और थोड़ा सा लहसुन इसका पेस्ट बना लीजिए, वो ऐसे डाल दीजिए इसमें, ये भी आप कर सकते हैं। ऐसे तो काटा हुआ प्याज ऐसे तो ये तो रहेगा, एक्स्ट्रा मतलब वो आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। तो करी जो है ना वो गरा होगा। समय पर हम घोल डालेंगे। घोल में इसमें क्या क्या लिया है, नमक है, अभी मैं डाल रहा हूँ घोल। घोल में क्या क्या है, नमक है, हल्दी पाउडर है, जीरा पाउडर है और सूखा मिर्च पाउडर है। क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से देख लीजिए आप। पानी थोड़ा सुखाना है, सॉफ्ट भी हो जाएगा, ये पानी सुखाते सुखाते सॉफ्ट हो जाएगा। अब ये वो बॉयल पोटैटो है, बॉयल किया हुआ आलू है, इसे थोड़ा सा मैश करके हम डाल देंगे इसमें। डाल दिया मैंने,
छोटा साइज का एक टोमेटो भी डाल सकते हैं इसमें, इस करी में। बड़ा नहीं, छोटा, बड़ा होने से आधा, बड़ा टोमेटो होने से आधा और छोटा होने से एक आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। बीच बीच में ऐसे करके ऐसे ऐसे ही खाना लग ना जाए। गलने के बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको क्या बोलते हैं, भुना, भून लेते हैं हम लोग, तो बोलते हैं कोसा। अब मैं डाल रहा हूँ वो जो कटा हुआ जो ऑमलेट है वो डाल दिया मैंने, दो अंडे से बनाया मैंने, दो अंडे का, दो अंडे से कितना होगा, चार पीस, बीस में से काट दिया चार पीस, ये देखिए एक एक करके मैंने डाल दिया, चार पीस हो गया, एकदम इजी है, टाइम भी कम लगता है। और इससे क्या होगा, गैस गैस फॉर्म कम होता है इससे, और अंडा करी जो है उससे क्या होता है गैस फॉर्म ज्यादा होता है। अब मैं डाल रहा हूँ पानी, पानी डालने के बाद उस समय बॉईल करना है इसे, उस समय तक पकाएंगे मतलब। ये देखिए अब हाई फ्लेम में ऐसे उसे पका सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं। निकाल के दिखा रहा हूँ आपको ऑमलेट का कैसा लगता है, देखिए ऐसे, ये देखिए मेरा ऑमलेट करी बनके तैयार। आप भी ऐसे बना के खाइए, वीडियो अच्छा लगने पर कमेंट जरूर कीजिएगा। और भी नॉन वेज का रेसिपी है वो प्लेलिस्ट में जाके आपको जरूर देखिए। तो दोस्तों वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।